आप सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार। साथियों, इस नए ब्लॉक में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज है संडे और हम सब लोगों की है छुट्टी, तो छुट्टी के दिन बच्चे भी मेरे साथ हैं, तो इस ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम दिखाएंगे आपको अपने आसपास की प्रकृति और आज हम क्या कुछ करने वाले हैं, वो सब कुछ इस ब्लॉग में होगा। तो आई होप कि इस ब्लॉग को आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और इस व्लॉग के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। आद्या, सबको प्रणाम कर दो और आज़ादी की भी बधाई दे दो, 15 अगस्त की। बोलो, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है इस स्वतंत्रता दिवस पर आप जीवन में कुछ अच्छे निर्णय लेंगे और उन निर्णयों के दम पर आप देश को बदलने में अपना अहम योगदान देंगे। तो आद्या को अपने टेडी बियर के साथ खेलना बहुत पसंद है और आद्या ने अपने बर्थडे पे मुझसे डिमांड की थी कि उसको टेडी बियर चाहिए, तो उसके लिए टेडी बियर ला के दिया था। अब आद्या की कहानी ये है कि स्कूल जाने से पहले टेडी बियर के साथ और स्कूल से आने के तुरंत बाद टेडी बियर के साथ इसको खेलना बहुत पसंद है। ये है आदि का रूम जहाँ आदि दिन भर समय बिताती हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें ही आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो अब हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ। आद्या का तो रोज का यही काम है, मेरे घर आते ही मुझे घोड़ा बना देती है, मेरे ऊपर बहुत सारा बोझ रख देती है। तो आद्या पहन रही है अपनी चप्पल, ये है कुछ खूबसूरत वातावरण हमारे आसपास का, देखिए काफ़ी सुंदरता है। हमारे घर के आसपास जो खूबसूरत माहौल है इससे हमें काफ़ी शांति मिलती है और हमें प्रकृति के समीप रहने का मौका भी मिलता है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये हैं हमारी बकरियाँ, सो रही हैं, आराम फरमा रही हैं, कुछ यहाँ सो रही हैं। तो कुछ देर के बाद बकरियाँ चारे के लिए जंगल चली जाएंगी। तो आजकल जो देसी ककड़ी है उसके जो बेल है वो भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं, देखिए। और अब हम जा रहे हैं अखरोट निकालने, क्योंकि हमारी अखरोट पक कर तैयार हो गए हैं और यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बंदर अखरोट को खा रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हम उनको समय से पहले ही निकाल देंगे। यह खूबसूरत केले के पेड़, इन पे काफ़ी अच्छे केले लगते हैं, काफ़ी बड़े केले लगते हैं, देसी केले कहते हैं इनको। तो आद्या फटाफट अखरोट निकालने जा रही है, तो हम भी चलते हैं। तो ये है आद्या की मम्मी। पिताजी अखरोट निकाल रहे हैं। पिताजी के सामने वीडियो बनाना लो। ये है यहाँ के खूबसूरत और लहराते हुए खेत। इन खेतों को देखने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये पहाड़ों के खेत हैं, और यहाँ फसलें कैसी होती हैं इसका अंदाज़ा तो आप देखकर लगा ही चुके होंगे। ये है यहाँ की खासियत, जितनी चाहो सुंदरता ही सुंदरता।
यहाँ आकर इंसान तनाव मुक्त हो जाता है। कुछ देर के लिए उसे प्रकृति के समीप रहकर प्रकृति को अनुभव करने का मौका मिलता है, और प्रकृति में जितने सारे पदार्थ हैं वो किसी न किसी रूप में मनुष्य के काम आती हैं, उनके उपयोग में आती हैं। कितना खूबसूरत व्यू है देखिए। और यह है हमारे खेत जिनमें धान हो रही है, और यह हमारा सिंचाई टैंक जिससे हम अपने खेतों में अपनी फसलों में सिंचाई करते हैं। तो मेरे पिताजी निकाल रहे हैं अखरोट, देखिए पेड़ पर। तो अखरोट निकालने का कार्यक्रम जारी है, देखिए सबके हाथ में अखरोट है। आध्य के हाथ में भी अखरोट है, काफी अच्छे और स्वादिष्ट अखरोट हैं। कश्मीरी अखरोट हैं, इनका साइज बहुत छोटा है और इनके अंदर जो नट्स हैं वो काफी अच्छे हैं। तो ये अखरोट काफी स्वादिष्ट होता है और हमारी सेहत के लिए भी काफी लाभदायक होता है। इसको इसके बाहर की जो छिकल है उसे निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसे 10-15 दिन अच्छे से धूप में सुखा लेते हैं ताकि इसके जो बाहर की कठोर त्वचा है वो भी अच्छे से सूख जाए, और उसके अंदर जो नट्स हैं वो नट्स भी अच्छे से सूख जाएं मेवा, और उसके बाद ही खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो 15 अगस्त बहुत नज़दीक है, तो बेटियां आपको 15 अगस्त के लिए कुछ सुनाएंगी जो इन्होंने तैयारी की होगी। कुछ तैयारी की है आप लोगों ने? हाँ। क्या क्या तैयारी की है? नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आप सभी को बोलो, सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की, आजादी के इस 15वें अमृत महोत्सव की, आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह व्लॉग काफी पसंद आएगा, हमारा आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय भारत।